हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिमाचल विधानसभा उपचुनाव को लेकर। हिमाचल में विधानसभा की 3 सीट और लोकसभा की 1 सीट के लिए उपचुनाव होने वाला है, जिसके लिए सभी पार्टियों में जितनी भी वहाँ पर राजनीतिक पार्टी है उनके बीच हलचल तेज हो गई है, टिकट को लेकर दावेदारी तेज हो गई है। साथ ही साथ सभी जो उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। विधानसभा के उन 3 सीटों के बारे में जान लें तो अर्की विधानसभा सीट कांग्रेस के दिग्गज नेता वीरभद्र सिंह के निधन के बाद से खाली है। वहीं फतेहपुर सीट कांग्रेस के नेता सुजान सिंह पठानिया के निधन के बाद खाली हो गई थी। इसके अलावा तीसरी विधानसभा सीट जुब्बल कोटखाई है, जहां भाजपा विधायक नरेंद्र के निधन के बाद उपचुनाव होना है। तो अगर हम बात करें इन 3 सीटें की, तो इसमें से 2 सीटें कांग्रेस के खाते में थी और 1 सीट पर बीजेपी जो है कि काबिज थी, और इन्हीं 3 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। वहीं लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा की 1 सीट खाली है जिस पर उपचुनाव होने वाला है। मंडी से बीजेपी सांसद राम स्वरूप शर्मा की मृत्यु के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिस पर लोकसभा का उपचुनाव होगा। इस पर भी दोनों ही पार्टियों में मंथन का दौर जारी है। विधानसभा की इन 4 सीटों पर जिन पर उपचुनाव हो रहे हैं, इन पर 8 अक्टूबर तक नामांकन किया जा सकता है। 30 अक्टूबर को मतदान होगा और 2 नवंबर को काउंटिंग होगी, जिसमें नतीजे घोषित किए जाएंगे। यह चुनाव हिमाचल में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहा है, इसलिए इस चुनाव को हिमाचल के फाइनल चुनाव से पहले का सेमीफाइनल मुकाबला माना जा रहा है। चलिए अब देखिए, अर्की विधानसभा जो सीट है, जिस पर पिछली बार के जो नतीजे आपके सामने हैं 2017 के, जिस पर वीरभद्र सिंह को जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी थे वीरभद्र सिंह, और काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, जाने माने नेता, जिनका निधन हो गया है और उसी के कारण ये सीट खाली हुई। वीरभद्र सिंह को 34,499 वोट मिला था और भारतीय जनता पार्टी को 28,448 वोट मिला था। तो इस तरीके से वीरभद्र सिंह ने अर्की विधानसभा सीट पर जो कि 2017 में जीत हासिल की थी। देखिए, अगली सीट की बात करें तो अगली सीट है फतेहपुर, और फतेहपुर का भी 2017 का नतीजा आपके सामने है। 2017 में सुजान सिंह पठानिया ने जीत हासिल की थी, इनको 18,962 वोट मिला था और भारतीय जनता पार्टी को 17,678 वोट मिला था। और बलदेव ठाकुर भी यहां से निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जिनको 13,090 वोट मिला था। डॉक्टर राजन सुशांत को यहाँ पे 6,205 वोट मिला था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सुजान सिंह पठानिया ने कड़े मुकाबला में भारतीय जनता पार्टी से जीत हासिल की। देखिए, अगली सीट की बात करें तो अगली सीट है जुब्बल कोटखाई, जिस पर उपचुनाव होगा और 2017 के नतीजे आपके सामने हैं, जिसपे नरेंद्र बरगटा को यहाँ पे जीत हासिल हुई थी, 27,466 इनको वोट मिला था और रोहित ठाकुर को 26,404 वोट मिले थे। तो आप देख सकते हैं कि जो हिमाचल के अंदर जो विधानसभा की सीटें हैं उस पर काफ़ी कम मतों के अंतर से ही चुनाव की हार जीत होती है, कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। चलिए, अब आपको हम ओपिनियन पोल बताएंगे कि कौन सी पार्टी किस सीट पर जीत सकती है। चलिए, सबसे पहले हम मंडी लोकसभा की बात करेंगे। तो मंडी लोकसभा सीट पर कौन जीत सकता है उसकी अगर हम बात करें, तो मंडी में फिलहाल कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत दिखाई पड़ रही है मंडी लोकसभा पर। यहाँ पे जो टक्कर है वो प्रतिभा सिंह और खुशहाल ठाकुर के बीच में है। अगर हम बात करें प्रतिभा सिंह की, तो प्रतिभा सिंह यहाँ पर चुनाव जीत सकती है, प्रतिभा सिंह के खाते में 52% वोट जा सकता है। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें खुशहाल ठाकुर की, तो इनको 44% वोट मिल सकता है, वहीं अन्य के खाते में 4% वोट जा सकते हैं। तो हमारा जो अनुमान है और हमारे जो लोगों से बातचीत हुई है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं ये कि 52% वोट लगभग प्रतिभा सिंह को मिल सकते हैं, और प्रतिभा सिंह मजबूत स्थिति में मंडी लोकसभा में हैं और ये चुनाव जीत सकते। चलिए, अब जान लेते हैं कि विधानसभा की जो 3 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव हो रहा है हिमाचल के अंदर, उसकी स्थिति क्या रहने वाली है। ये ओपिनियन पोल हमने ऑनलाइन किया है और लोकल पत्रकारों से बातचीत किया है, उस हिसाब से क्या समीकरण निकल कर सामने आ रहे हैं। चलिए, अब हम बात करें अर्की विधानसभा सीट की, तो अर्की में कांग्रेस पार्टी की मजबूत स्थिति दिखाई पड़ रही है। अर्की कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। अर्की में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 36% वोट जा सकते हैं और कांग्रेस के खाते में लगभग 55% वोट जा सकते हैं और अन्य के खाते में 9%। तो यहाँ पे अर्की को जीतने की जो संभावना है सबसे ज़्यादा कांग्रेस की, यानी कांग्रेस के 55% जीत की उम्मीद यहाँ पे अर्की में कांग्रेस पार्टी की है। अगली सीट है फतेहपुर, और फतेहपुर की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा इन दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है, हालांकि यहाँ पे
कांग्रेस का जो है कि पड़ रहा भारी है। आप जानते हैं बीजेपी की वर्तमान में सरकार है तो एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी सी है, जिसके कारण बीजेपी यहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोर होती दिखाई पड़ रही है, लेकिन दोनों के बीच कड़ी टक्कर रहेगी। बीजेपी को 46% तक वोट मिल सकता है, कांग्रेस को 52% के आसपास, और अन्य के खाते में 2% जा सकता है। हालांकि यहाँ पे कड़ा मुकाबला रहेगा, फिर भी कांग्रेस का पड़ रहा भारी दिखाई पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी से, यानी फतेहपुर सीट भी कांग्रेस जीत सकती है। नेक्स्ट सीट की बात करें तो अगली सीट है जुब्बल कोटखाई, और जुब्बल कोटखाई की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी मजबूत स्थिति में थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही एक कद्दावर नेता ने यहाँ पे बगावत कर दी, जिसके कारण यहाँ पे स्थितियाँ जो है कि बदल गई हैं। हालांकि बीजेपी के नेता लगातार उनको मनाने का कोशिश कर रहे हैं, यदि वो मान जाते हैं तो ये चुनाव जो है कि बीजेपी के पक्ष में जाएगा, परंतु यदि वो नहीं मानते हैं तो बीजेपी को यहाँ नुकसान हो सकता है। जुब्बल कोटखाई की बात करें तो इस पर जो है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रही है, कांग्रेस को यहाँ पे 51 यानी 51% वोट मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के खाते में 44% वोट जा सकता है और अन्य के खाते में 5% वोट जा सकता है। तो अर्की, फतेहपुर, जुब्बल कोटखाई और मंडी लोकसभा, ये चारों सीटों पर इस समय कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रही है।